हेलो दोस्तों, आज है 19 मई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, IIMA के पूर्व अध्यक्ष और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर KK अग्रवाल का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, पद्मश्री। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IIMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर KK अग्रवाल का हाल ही में 62 साल की उम्र में कोरोना की वजह से निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 1979 में नागपुर यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। अगला क्वेश्चन, 39 वर्षीय किस व्यक्ति को हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, मोईद यूसुफ। देखिए, 39 वर्षीय मोईद यूसुफ को हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्ष 24 दिसंबर 2019 से प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर थे। मोईद यूसुफ यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के कितने राज्यों के लिए 5968 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, सॉरी सी, 15 राज्य। देखिए, जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 राज्यों के लिए 5968 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि बाकी 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस वित्त वर्ष में जारी की जाने वाली 4 किस्तों में से पहली किस्त है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने हाल ही में ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, नई दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने हाल ही में NGMA का ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है, जिसके द्वारा संग्रहालय के दर्शकों के लिए गैलरी में प्रदर्शित बहुमूल्य भारतीय आधुनिक कला से संबंधित उपख्यानों और कहानियों को भी कहीं भी सुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किस कंपनी ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जनजातीय आश्रम जैसे स्कूलों के लिए डिजिटल परिवर्तन के लिए करने के लिए संयुक्त पहल को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीकों में शिक्षकों और छात्रों को हुनरमंद बनाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना काल में वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एंडरलाइन शुरू किया है। इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। देखिए, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान वृद्धजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एंडरलाइन 14567 शुरू की है। ये सुविधा भी देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। जल्दी पूरे देश में शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, मायगांव। देखिए, भारत सरकार का नागरिक से जुड़ने का मंच मायगांव ने हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। यह इनोवेशन चैलेंज भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के सपने को आगे ले जाने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विभाग के सचिव श्री अंशु प्रकाश ने हाल ही में नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, दूरसंचार विभाग। देखिए,
संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग के सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष श्री अंशु प्रकाश ने हाल ही में नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह पाठ्यक्रम का आयोजन प्रशिक्षण संस्थान नेशनल टेली कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।